नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल SK टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। काफी लोगों के जो है आवेदन धीरे धीरे आप लोग कर भी रहे हो, बहुत लोगों को दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा तक टाइम दिया गया है आपको। मैंने टाइम टेबल में सब डिस्कस किया था, अभी समय बहुत ज्यादा है तो हड़बड़ाना नहीं है। धीरे धीरे लिंक आप लोगों के लिए भी एक्टिव हो जाएगी, काफी लोगों की एक्टिव हो चुकी है, तो धीरे धीरे आप लोग आवेदन कर रहे हैं। तो उन वीडियोज मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा कि आपको आवेदन फॉर्म भरने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब कौन से आपको कागजात कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसको आप लोग रेडी रख सको ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो हम लोग वही डिस्कस करेंगे, आप लोगों को जो जरूरी गाइडलाइंस होंगी सारी मैं डिस्कस करूंगा कि आपको फॉर्म भरने में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसके नाम के लगेंगे। साथ में रिन्यूअल वालों को बहुत डाउट है कि रिन्यूअल करना है या नहीं करना है, अगर आपका पिछली बार पैसा आया नहीं आया, तो इस तरह के जितने भी आप लोगों के सवाल हैं वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएंगे। तो आवेदन अगर आपने नहीं किया अब तक तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोग मिस करते हो, बाद में करेक्शन करने के लिए जो है कि जाते हो, क्योंकि आप गलत कर देते हो स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और ये मैं यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल गाइडलाइन है वही डिस्कस करूंगा, अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को फटाफट लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी यूपी स्कॉलरशिप की आपको तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए लाइन से बात करते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे जो गाइडलाइन जारी हुई है आपके लिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कौन से लगेंगे। देखो आपको आवेदन करने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ तो आप लोगों को एकदम ऑलरेडी मालूम होंगे। देखो एक तो चाहिए होगा आप लोग को अपना रिजल्ट, देखो आपका जो भी रिजल्ट है, जैसे अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो 12th के बाद, तो आपको 12वीं का चाहिए होगा, 12वीं में हो तो 11वीं का चाहिए होगा, मतलब पिछली क्लास का आपको रिजल्ट चाहिए होगा। तो उसकी फोटोकॉपी तो मतलब हाँ आपको हार्ड कॉपी देने के लिए चाहिए होती है, बट अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको हार्ड कॉपी देनी होती है तो फोटोकॉपी चाहिए होगी रिजल्ट की, पहली चीज़ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आपकी अंक पत्र। सेकेंड नंबर पर आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जाति और आय निवास प्रमाण पत्र लिखा है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। अभी देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है, पिछली बार अगर आप रिन्यूअल के छात्र हो तो आपको अच्छे से मालूम है इनकम सर्टिफिकेट में कितना बड़ा इशू आया था। तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं, आपको ये बनवाने के लिए CSC जो कस्टमर सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का होता है, मतलब आपके हर गांव में हर जगह पे आपको मिल जाता है, CSC बोलते हैं उसको। तो CSC में जाके आपको बोलना होगा कि भाई आपको ये बनवाना, वो लोग बनवा देंगे, कुछ 250-300 रुपये लगेंगे, अब एग्जैक्ट रेट नहीं मालूम है, पर ऐसा ही कुछ आपको लगेगा और ये दोनों आपको बना के देंगे। अब सवाल ये है आपको बनवाना किसके नाम का है। देखो ये आपको अपने पापा के नाम का बनवाना है, ये जो है कि यही गलती हुई थी पिछली बार, तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, वो भी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। देखो लास्ट टाइम जिन लोगों ने अपने नाम का दिया था उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब अगर आप इनकम बनवा रहे हो, जो प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, अगर अपने नाम का बनवा दोगे तो रिजेक्ट कर देंगे। देखो ये पिछली बार का न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हो 26 जनवरी 2024, यहाँ पर डेट देख लेना। पिता की जगह लगा दिया खुद का आय प्रमाण पत्र, 4000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट, मतलब जिन लोगों ने अपने नाम का लगाया था उनका देखो इन लोगों ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लगाना किसका, यहाँ देखिए जानकारी, ये देखो यहाँ पर अपने काम की चीज़ है, जानकारी के भाव में छात्रों ने अपने नाम के आय प्रमाण पत्र से आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, जबकि माता पिता के नाम से प्रमाण पत्र लगाना था। इसे लेकर शासन की ओर से सितंबर में गाइडलाइन जारी हुई थी, 2023 सितंबर की बात हो रही है, उसी टाइम से बदला है, लेकिन विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, वहीं विभागों में भी लापरवाही बरती गई और फॉर्म जमा कर लिए, बाद में जाँच में पता चला कि जो है कि अपने नाम का लगा दिया था। लगाना किसके नाम का, यहाँ देख लीजिए डिटेल, ये देखो आय प्रमाण पत्र पिता की आय होनी चाहिए, पिता के न रहने पर माता की आय, दोनों के न रहने पर अभिभावक की आय, और शादी होने की दशा में पति की आय मान्य होगी, और जो है कि पहले आवेदक की आय मान्य थी, मतलब अभी आकर क्या करना पड़ेगा, जो आय प्रमाण पत्र आप बनवाओगे वो अपने पिताजी के नाम पर, मतलब आपके पेरेंट्स के नाम पर, अपने गार्जियन के नाम पर बनेगा, अपने नाम पर नहीं बनवाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो पिछली बार की तरह रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला था कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकम सर्टिफिकेट और जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसके नाम का बनवाना है, आपको बनवाना है, कास्ट आपके नाम का होगा, इनकम जो है कि आपके फादर के नाम का होगा, मतलब फादर हैं तो फादर के नाम का, अगर शादी हो गई तो हस्बैंड के नाम का, और अगर फादर नहीं है तो मदर के नाम का, दोनों नहीं है तो आपके जो भी गार्जियन है उनके नाम का, मतलब आप जिनके, मतलब क्योंकि आप देखो स्टूडेंट हो तो आप इनकम आपके पास नहीं है, इसी वजह से आपको स्कॉलरशिप लेनी पड़ रही है, तो ये आपको देना पड़ेगा अपने गार्जियन के नाम का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इनकम हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, जो है कि आप जो भी
फीस के आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, मतलब फीस आपने जो जमा करी है उसका कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपकी फीस कितनी है टोटल, एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब ये कॉलेज से मिल जाता है आपको कि आपकी टोटल नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है, आप उस साल में आपकी फीस कितनी लगी है उसका एक प्रूफ होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा भी है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, मतलब आपकी जो भी फीस है उसकी रसीद होनी चाहिए, उसका रिसिप्ट होना चाहिए, ताकि आप इसके भी डिटेल जो है कि फॉर्म में लगेगी। और साथ में क्या चाहिए आपको, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा उस कोर्स में, मतलब आपका अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो फर्स्ट ईयर में जनरेट हो जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी लगेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर को छोड़ के बाकी सबका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। और इन पाँच चीज़ें के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताना भूल गया था, तो वो है आधार नंबर। आधार नंबर अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से, क्योंकि आप जो फॉर्म भर रहे हैं लोग आधार के ही हिसाब से भर रहे हैं, आधार नंबर आपका होना जरूरी है। और साथ में ही इस नंबर, मतलब इस आधार से जो भी मोबाइल आपका नंबर अटैच्ड है वो मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि जब आधार नंबर डालोगे तो उसकी डिटेल सारी ये लोग फेच कर लेते हैं, मतलब आपको डिटेल हाथ से नहीं फिल करनी पड़ेगी, ओटीपी जाएगा इस नंबर पे और अब सारी डिटेल ये लोग ले लेंगे। तो आधार नंबर के साथ साथ उसमें जो भी मोबाइल नंबर अटैच है वह होना चाहिए। तो ये हो गया, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे हो गए। कौन कौन से हो गए लाइन से देख लीजिए एक बार फिर बताता हूँ। रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, रिजल्ट के बाद इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी जो है कि फीस की रसीद होनी चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सेकेंड ईयर में हो, और साथ में आधार से जुड़ा हुआ जो है कि मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आपकी जो है कि डिटेल सारी फेच हो सके। तो ये थे जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर और लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लिखी हुई हैं कि आपका जो टेंथ का मार्कशीट है और आधार में जो डिटेल है, मतलब आपके नाम, फादर का नाम, एड्रेस, ये सब, ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब दसवीं की मार्कशीट में और आधार में जानकारी सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पॉइंट पर ये लिखा भी है, देखो हाई स्कूल एवं, देखो यहाँ लिखा है ना, हाई स्कूल एवं पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का, उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना जरूरी है, मतलब आधार कार्ड में और दसवीं की मार्कशीट में जो भी जानकारी है वो सेम होनी चाहिए। और क्या है, नवीनीकरण के छात्र आधार नंबर का जनसंख्या की प्रमाणीकरण यानी कि डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसमें वही है कि आधार नंबर आप डालोगे तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको अंकित करके जो है कि आपका फॉर्म आगे भरा जाएगा। ये सबके लिए हो गया है इस बार से। और देखो नवीन जो भी छात्र हैं डिजी लॉकर से केवाईसी, सारा देखो ये सब आपको टर्म नहीं देखने, आपको सिंपल क्या चाहिए होगा, आपका आधार नंबर चाहिए होगा, आधार नंबर डालोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उनसे जो है कि डिटेल सारी मैच करा के लोग आगे फॉर्म आपका ले जाएंगे। तो ये चीज़ें होने वाली है, इंपॉर्टेंट है ये सब। और आपको साथ में NPCI आपकी रखनी है करा के, NPCI आपको ऑनलाइन चेक करनी है अपनी, NPCI आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे तब भी मिल जाएगा आपको, या आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो कि NPCI कैसे चेक करते हैं, उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। NPCI चेक कर लेनी है आपको, बैंक वहाँ पर जो भी है एक्टिव रखना है, और वही बैंक आप कोशिश कीजिए कि UP स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी दीजिए। और साथ में जो है कि आपका जो भी खाता हो उसको एक्टिव रखना है, खाता आपका वो नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। अभी 23-24 के छात्रों का ट्रांजैक्शन बहुत लोगों का फेल हुआ इन्हीं सब कारण की वजह से, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो ये आप लोगों के जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पर देखो पूरी जो गाइडलाइन लिखी हुई है, ये पूरा मैं लाइन बाई लाइन डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर ये मैं काम करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके फॉर्म भरने के पहले एक बार पूरे पॉइंट को ध्यान से जरूर पढ़ लेना, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, जो आपके मन में डाउट आते हैं जिसकी वजह से करेक्शन करना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको समझा दिए किसके नाम के लगेंगे, पहले बनवा के रख लेने हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट डिटेल मुझे याद आ गई कि देखो मोबाइल नंबर बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे एक फैमिली में आप लोग तीन भाई बहन हो तो मोबाइल नंबर आप लोग तीनों जो है कि एक ही यूज कर ले, तो ये नहीं करना आपको। इन्होंने साफ साफ इस गाइडलाइन में लिखा है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन होना चाहिए। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो चीज़ इन्होंने कहाँ लिखी हुई है, वो चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर आपको अलग अलग हर फॉर्म में जो है कि देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपने मोबाइल नंबर की समस्या यहीं पर कहीं लिखी हुई है, मैंने देखी आपको, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके बाद आपको देख सकते हो खुद, इसमें सारा लाइन से पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि मोबाइल नंबर आपको जो है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन करना है, अगर आप दूसरा करोगे तो वही दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी जो है कि डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्लियर करके बता दिए कि कौन कौन से लगेंगे। तो आवेदन अभी समय है, बहुत ज़्यादा दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, तो अगर आपका लिंक एक्टिव नहीं है या कुछ भी जो है कि अभी समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, समय बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए जो है कि अपना आवेदन पूरा कर लेना है। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।